हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट जीके में। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली वीडियो है पॉलिटी पर जो मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स ट्रिक से आज हम उनको याद करने वाले हैं। तो एक बार में आपको ये याद होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो जो है अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक हम याद करेंगे, ठीक है, जिनमें सबसे पहला हम देखेंगे तो 52वां अनुच्छेद, जिसमें क्या है, इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 53 यानी कि 53, तो इसमें क्या है, तो इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का विवरण है, ठीक है, पहले में क्या है पद का और दूसरे में क्या है इसकी जो कार्यपालिका शक्तियों का विवरण है। और अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, सो मिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, तो ये किस में दिया है आपके, आर्टिकल 54 में, इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 55 यानी कि 55, सो ये जो प्रोसेस होती है राष्ट्रपति निर्वाचन की, तो हम बात करें ये किस आर्टिकल में दी गई है, ये दी है आर्टिकल 55 में, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, तो आर्टिकल 56 में ये दिया गया है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्य अवधि जो कि यूजुअली 5 ईयर्स होती है वो दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 57 यानी कि 57 में, ठीक है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। नेक्स्ट हम बात करें भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता, ठीक है, तो जो अनुच्छेद 58 है आर्टिकल 58 में है, 58 है वो राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख करती है, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद की शर्तें, ठीक है, तो अनुच्छेद 59 यानी कि 59, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया है। और जो ओथ है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ आर्टिकल 60 में दी गई है, अनुच्छेद 60 में जो भारत का राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, जो ओथ होती है, उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अनुच्छेद 61, ठीक है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, तो आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देख लिए सारे अनुच्छेद, अब हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, पका चुनिरका पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा है ना, जल्दी याद होने वाला है। सो हम बात करें सबसे पहले है पद का, अनुच्छेद 52, दूसरा हम बात करें तो जो कार्यपालिका शक्ति होती है अनुच्छेद 53, तीसरा हम बात करें तो जो चुनाव है, ठीक है, निर्वाचन के लिए, तो अनुच्छेद 54, अगला हम बात करें तो जो निर्वाचन होगा, ठीक है, उसके लिए हम बात करें, और अगला अगर हम देखें तो कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में, अगला अगर हम देखें तो जो पुनर्निर्वाचन होगा वो किस में दिया है, अनुच्छेद 57 में, हम देखें कि योग, तो यानी कि योग्यता आर्टिकल 58 में, जो क्वालिफिकेशंस होंगी, शर्तें जो होंगी वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 59 में, शपथ यानी कि ओथ जो है आर्टिकल 60 में है, और जो महाभियोग जो इम्पीचमेंट होगा वो किस में है, आर्टिकल 61 में है। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि राष्ट्रपति के संबंध में पूछे जाते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारा जो ऐप है, दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप, वो लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपको डेली फ्री PDF, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन, सारी वीडियो, सबसे यूनिक फीचर दैट इज़ OSP नोट्स, सब कुछ यहाँ पर सिंपली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक।
थैंक यू।